जनाबे वाला अब्दुल वाहिद की घर अभी मैं सुबह फातिहा ख्वानी के लिए गया, मैं उसके वालिद को कैसे तसल्ली देता कि तुम्हारे बेटे की जो है कातिल पकड़े जाएंगे। एक साफी जो अब्दुल वाहिद रईसानी, एक अपने आंखों में, अपने दिल में, अपने दिमाग में अपने घर की रोशनाई थी, अपने घर का चिराग था। एमल कासी और शाहजेब के वालदेन को कैसे तसल्ली दूंगा कि माह रमजान में अफतारी के बाद जब वो घर से निकलते हैं तो बाद में उनकी लाशें जो है टुकड़ों में आ जाती हैं और उनके बूढ़े वालदेन अपने कंधों पर ले जाते हैं। मैं कैसे उनको तसल्ली दूं जबकि इस मुल्क का वजीर दाखिला शेख रशीद बलोचिस्तान के लोगों के साथ गम आंसू पूछने के बजाय कहता है जनाबे वाला एफसी पहले शहर से बाहर जा रहा था, अब शहर में वापस आ जाएगा। ये उसका बयान है। स्पीकर साफी अब्दुल वाहिद रईसानी साहब, बीएसओ के मरकजी प्रेस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नासिर बलोच साहब, हमारे दो असातज़ा कराम जो रोड हादसा में प्रोफेसर गुलाम नबी और प्रोफेसर निगत सुल्ताना साहिबा की जो हादसे में शहादत हुई है, इनके लिए जनाब वाला फातिहा ख्वानी करें, इसके बाद हम इस पर बात करेंगे। اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه اللهم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وسخر ميزانهم بالحسنات اللهم احفظنا من كل آفات فإنك خير الحافظين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من نحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان إنا لله وإنا إليه راجعون برحمتك يا أرحم जहाँ पर रहमतों और नेमतों का जिसको महीना कहा जाता है, जहाँ पर हर माँ बाप बहन भाई बेटी सबकी आत हमेशा हर नमाज में ऊपर होते हैं कि परवरदिगार इस नेमतों और रहमतों के महीने में हम पर रहम करे, हमारे घरों में खुशी और खुशहाली ले आए। लेकिन पता नहीं इस सूबे के लोगों के साथ क्या गुनाह सरसद हुई है या इस सूबे के लोगों के साथ क्या गलती हुई है या हमसे क्या इम्तिहान दिया जा रहा है जनाबे वाला कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हमारी माएँ बहनें बीवी बेटियाँ उनके कपड़े और उनके दुपट्टे जो है आंसुओं से तर होकर रह गए हैं। ये बुज़ुर्ग जो है इनके कंधों पर फरिश्ते जो बैठे हुए हैं उनके हमारे नेमतों और रहमतों के हवाले से हमारा हिसाब करते और हमारा खुदावंद अल्लाह तबारक ताला के साथ हमारे मुल्क में आबादी और तरक्की की होती, आज इन बूढ़े कंधों पर सिर्फ नौजवानों की लाशें जा रही हैं। जनाबे वाला बहुत अफसोस की बात यह है कि मैं एक साफ़ी जो अब्दुल वाहिद रईसानी, एक अपने आंखों में, अपने दिल में, अपने दिमाग में अपने घर की रोशनाई थी, अपने घर का चिराग था, वो इतने ख्वाब लिए हुए जनाबे वाला जब निकलता है शहर की तरफ या घर की तरफ जाते हुए उसको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद यही बात होती है कि जी मोटरसाइकिल की चोरी या चोरी की वारदात में उसका कत्ल हुआ। ये हो ही नहीं सकता जनाबे वाला, ये नामुमकिन है कि कोई ये कहे कि जनाबे वाला एक सहाफ़ी जो है 45 के करीब सहाफ़ी बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 10 से 15 साल में शहीद कर दिए गए हैं। आज तक एक भी सहाफ़ी का कातिल या मुजरिम जो है या मुलजिम जो है वो कटेरे में लाया नहीं गया। जनाबे वाला अब्दुल वाहिद की घर अभी मैं सुबह फातिहा ख्वानी के लिए गया, मैं उसके वालिद को कैसे तसल्ली देता कि तुम्हारे बेटे की जो है कातिल पकड़े जाएंगे, जब मुझे ये मालूम है कि बलूचिस्तान में 60 के करीब वकला दिन दहाड़े बम धमाके में मारे गए। आज जनाबे वाला सालों गुजर गए जब उनका कोई मुलजिम और मुजरिम कैद खाने में नहीं है, कोई भी असलाखों के पीछे नहीं है, तो फिर अब्दुल वाहिद को घर वालों को मैं कैसे तसल्ली दूंगा कि तुम्हारे जो है बेटे के शहजादे के कातिल जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। मैं एमल कासी और शाहजेब के वालदेन को कैसे तसल्ली दूंगा कि माह रमजान में अफतारी के बाद जब वो घर से निकलते हैं तो बाद में उनकी लाशें जो है टुकड़ों में आ जाती हैं और उनके बूढ़े वालदेन अपने कंधों पे ले जाते हैं। मैं कैसे उनको तसल्ली दूं कि तुम्हें जो है इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा और तुम्हारे कातिल पकड़े जाएंगे, जबकि इस मुल्क का वजीर दाखिला शेख रशीद बलोचिस्तान के लोगों के साथ गम आंसू पूछने के बजाय कहता है जनाबे वाला एफसी पहले शहर से बाहर जा रहा था, अब शहर में वापस आ जाएगा। ये उसका बयान है। न बलोचिस्तान के समाजी मामलात, न माशी मामलात, न माशी मामलात। सर मैं देखें इस पर तफसीली फिर आप बात कर ले सर, मैं तफसीली तहरीक भी है ना सर, इस पे देखें तहरीक पे हम अमन अमान मजबूत तौर पर बात करेंगे, ये सब उसी में आ जाएगा। जनाबे वाला मेरी आपसे ये इस्तेदाए नहीं, अमन व अमान और एक साफी का कत्ल और साफियों का एहतजाज इसको आपको दूसरे नुक्ते नजर से देखना होगा। आज साफी जो 3-4 मामलात पे अपने हकूक के हवाले से बात कर रहे हैं उनको आपने सुनना होगा, 28 के करीब जनाबे वाला साफी टारगेट किलिंग में शहीद हुए।
क्या इस ईवान में बैठे हुए आके हमारा गला नहीं पकड़ सकते? आज सुबह वो आए थे, उन्होंने हमारे गरेबान से पकड़ा। क्या आप हमारे नुमाइंदे हो? 10 से 15 सालों में 28 साफी शहीद हुए, कम से कम एक कातिल तो पकड़ा जाता, मुजरिम पकड़ा जाता। जिस क्वेटा में 1.5 अरब रुपए, जहां पर लोग नान शबीना के मोहताज हैं, आप सेफ सिटी के नाम पर हजारों कैमरे नसब करते हैं, आप लाखों बंदूक बरदार खड़े करते हैं, उस शहर में रोज लाशें गिरती हैं, एक मुजरिम तो पकड़ा जाता किसी बम धमाके का? जनाबे वाला यही होगा। हम अफसोस की बात यह है कि आज ये जो साफी निकले हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़, न सिर्फ साफियों को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है बल्कि बलोचिस्तान में हर शहरी अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहा है। सड़कों पे अदम तहफ़्फ़ुज़ है, प्रोफेसर्स की लाशें गिरती हैं आपके खराब सड़कों की वजह से, अस्पतालों में लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, आपके पास सहूलियात नहीं है। साफी जो है शाम को रात को अपना काम करके घर से निकलते हैं, दुआएं पढ़ पढ़ के वापस अपने घर में जाएं। जनाबे वाला इस सूबे में लोग हमसे तवक्कुआत करते हैं, अमन और अमान पे हम तफसील से बात करेंगे, मैं आपकी तवस्सुत से हम इनको दोबारा मनाने जाएंगे। आज हम मजबूर हैं, हमारे भाई हैं, आप यहाँ पे रूलिंग दे दें कि अब्दुल वाहिद रेसानी समेत जितने भी साफी शहीद हुए हैं उनके खानदानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया, अक्सर के केसेस पड़े हुए हैं। हम ये कोई जानवर तो नहीं है, हमारे माशरे के जिंदा ख्वाब हैं, ये हमारे माशरे का असासा है, ये हमारे माशरे की बुनियाद है। हम इस ये वो बदकिस्मत सूबा है जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान मर रहे हैं, ये दुनिया का वो खित्ता है जहां सबसे ज्यादा नौजवानों की लाशें उठाई जा रही हैं, ये वो बदकिस्मत सूबा है जहां पर सबसे ज्यादा बूढ़े वालदैन अपने नौजवानों की लाशों को कंधा दे रहे हैं, ये वो बदकिस्मत सूबा है जिसके कब्रिस्तान में बुजुर्ग नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नौजवान लाशें मदफून की जा रही है। जनाबे वाला, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी बनती है। हमने शेख रशीद के इस बयान का इंतजार नहीं करना है कि एक फोर्स आएगी दूसरा फोर्स जाएगा। हमारे माशरे में संजीदा मसाइल हैं, हमारा माशरा संजीदा तौर पर शिकस्त और रेख का शिकार है, हमारा माशरा टूट फूट का शिकार है, हमारे इदारे तबाह बर्बाद हैं, हमारे तमाम इदारों में करप्शन सरायत कर गया है, चोर और डाकू की हुकूमत कायम हो गई है। जनाबे वाला बहसियत स्पीकर, अगर आपने अब्दुल वाहिद के सिर्फ फातह खानी नहीं उसके वालदेन को, एमल कासी के, शाहजेब के या दीगर नौजवानों के वालदेन को तसल्ली देनी है, आपने रूलिंग देना होगा कि बलूचिस्तान में इधर संजीदा डिबेट होगी। अगर कातिल नहीं पकड़े जाते जनाबे वाला, वहां कोई पुलिस स्टेशन का लोग जिम्मेदार हैं, SP जिम्मेदार हैं, IG जिम्मेदार हैं, DIG जिम्मेदार हैं, करोड़ों अरबों रुपए क्वेटा में सिक्योरिटी पे खर्च किए जाते हैं, ये मुल्क और सूबा इस तरह चलता है। तो जनाबे स्पीकर, आपको न सिर्फ साफियों को वापस बुलाने के लिए कमेटी भेजनी चाहिए बल्कि मुकम्मल इख्तियार देना चाहिए होगा कि जनाबे वाला अमन अमान के हवाले से, बिल्कुल साफियों के तहफ्फुज़ के हवाले से ये ऐवान कोई अहम जो है वो करारदाद पास करे। ये रोज की जो है तसल्ली और तशफियों से काम नहीं चलने वाला है। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया।